सितम गर ये कुर्बत क्या करे। और उसना तो किसी को जवाब देने के काबिल ही नहीं रही होगी। बिल्कुल, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले पता होता ना तो उस उष्णा की मैं ऐसी की तैसी कर चुकी होती। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? मैं बहुत पहले चाची और मामा की बातें सुन चुका था। उष्णा की दादी को भी तो इस तरफ का रास्ता मैंने ही दिखाया था। सैनब को तो लगेगा ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है। इसी बात की तो परेशानी हो रही है मुझे। देखो, ये जैनब पे बुरा वक्त है और इस वक्त हमें उसका साथ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपको अभी यही कहने वाली थी कि आप जैनब को फोन करें। उष्णा बीवी है आपकी साहबजादी की, ये मत भूलिए। इस बात को तो मैं बाद में देखूंगी, इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। पता नहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आपकी आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। ओहो, इतनी जल्दी बंद कर दी। लेकिन शुरुआत के लिए ये भी बहुत है कि उसने बात तो की। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है उष्णा मैडम, सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, शौहर की याद नहीं आती आपको? फिक्र कैसी, आपने मैसेज कर दिया था कि आप ऑफिस पहुंच गए। थोड़ी इनसिक्योरिटीज पाल लो, मियाँ की इतनी देर तक कॉल नहीं आई, ऑफिस में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। बीवियाँ तो ऐसे ही करती हैं ना। रखती होंगी, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप ऐसे नहीं हैं। इतना ट्रस्ट ना करो, क्या पता कल कोई ट्रस्ट टूटे तो तुम्हारे लिए शॉकिंग हो। पहले तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो तब के तब देख लेंगे। क्या बात है, मियाँ पे इतना एतमाद है तो। थैंक यू। सुबह से कुछ खाया या बस यूं ही भूखी बैठी हो? नहीं, मेरा मूड नहीं था। क्या मतलब? मैं मेड से कह के तो आया था कि लंच तुम्हारे रूम में पहुँचा दे। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसकी गलती नहीं है। वो लंच लेकर आई थी लेकिन मेरा ही दिल नहीं था। उष्णा, खाने पीने की जो लापरवाही है ना, वो करके तुम मुझे सख्ती मजबूर कर रही हो। आप भी कर ले सकती। अच्छा, ऐसे ही कह रहा था मैं। मुझे बताओ शाम को कहीं चलना है? तैयार है ना? अच्छा सा तुम। मेरी एक दो मीटिंग्स है, उसके बाद मैं घर आऊंगा। हम बाहर डिनर करेंगे और बाहर घूम भी लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, और अगर तुम कहो तो लॉन्ग ड्राइव पे भी चलेंगे। क्या प्लान है? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। ये मेरा तो है। अच्छा, आप आ जाएं, फिर देखते हैं। बस तैयार है ना तुम? कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं तुमसे। ओके। एक गैर औरत के जो दिल में आया उसने आके आपको बोल दिया और आपने उसको सच मान लिया। अरे तो क्या? आप अछूत की तरह उनके साथ रवैया रखेंगे? उष्णा की माँ कैसी थी, अच्छी थी नहीं थी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उष्णा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे इस खानदान के वकार पे हर्फ आए। Thank you.
उष्णा के खिलाफ आज के बाद कोई बात नहीं सुनूंगा। वो लोग इस घर के फर्द हैं, मैं उनको लेकर आता हूं। कैसे दिन गुजरा आपको? ठीक ही था। महिमा से कोई बात हुई? वो मेरी गलतियां गिनवाने के अलावा बात ही कब करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। ज़ैनब, इतनी छोटी बात भी नहीं है। जब मुझ पे और महिमा पर ट्रस्ट करके आपने सारी बातें शेयर करनी थी तो ये बात छुपाने की क्या जरूरत? तो बताने की भी क्या जरूरत थी? किस किस बात की वजाहत देनी है मुझे और क्यों देनी है? रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे होते हैं, बाकी सारे रिश्ते झूठे होते हैं। तो फिर मेरा सच और मेरी हकीकत यह है कि उष्णा मेरी बेटी है। मैंने उसको पाला है, उसकी तरबियत की है, उसके लिए रातों को जागी हूं। वो मेरे वजूद और मेरी जात का हिस्सा है और उसकी शनाख्त और उसकी निस्बत सिर्फ मुझसे है, और यही हकीकत है। आप मुझे ये बताइए कि मेरा असल कसूर क्या है। ठीक कह रही हैं आप, मैं समझता हूं आपकी बात और आप बिल्कुल सच भी कह रहे हैं। लेकिन नहीं, जिस किस्म की खातून है वो हस्प नस्ब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसको इन बातों को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आई एम सॉरी, मगर ये घर का माहौल इसकी वजह से बहुत ख़राब हो रहा है ज़ैनब, कुछ करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बेहतर होगा कि मैं कुछ दिन अपने भाई के घर शिफ्ट हो जाऊँ? क्या उससे आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा? मुझे लगता है कि शायद आप सही कह रहे हैं। थोड़े दिनों के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट से आप भी दूर हो जाएंगी, थोड़ा माहौल भी ठीक हो जाएगा। सही सोच रही हैं। माहौल बेहतर हो गया तो बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए, मुझे दे देंगे। आप दरवाजा बंद कर दें। आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बैठी होगी और इसमें ज़हमत की क्या बात है, ये तो मेरा प्यार है। अच्छा बताओ क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। राइस? चलो प्लीज, मेरा वाकई मूड नहीं है। साथ आई थिंक थोड़ा सा सालन भी कर लेते हैं, ऐसे भूखी रहोगे तो तुम्हें खराब हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। वाकई मेरा कोई बात नहीं, प्लीज मेरे लिए। और लोगी? ये लो। और बिल्कुल नहीं, दिल नहीं है। अच्छा नहीं लगा तो कुछ और बनवा देते। नहीं,
हम तो बाहर जा रहे हैं ना। सही है। क्या पहन, ये पहन रही हो? जी। अच्छा ड्रेस है, है ना? अभी पहन के दिखाओ। जल्दी आना। मैं तैयार हूँ, ड्राइवर से कहिए मुझे ड्रॉप कर दे भाई की तरफ। ऑलराइट, नईमा दरअसल ज़ैनब जाना चाह रही हैं अपने भाई के घर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल मुनासिब है, चली जाएगी। अच्छा फैसला है। आप कहाँ जा रहे हैं शेरोस? मैं बोशना को बाहर लेके जा रहा हूँ। मुझे मुझे यकीन है शेरोस तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे जा सकता है। एक सेकेंड ज़ैनब, भाई की तरफ जा ही रही हैं तो बोशना को भी अपने साथ लेकर जाइए। उष्णा वहां पे नहीं जाएगी। उष्णा वहां जाएंगी शहरोज। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उष्णा को तलाक दे रहे हैं। क्या? क्या हो गया अम्मी, आपको कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप तो। ये क्या कह रही हैं आप? शादी आपके लिए कोई मजाक है, कोई खेल है? जब दिल चाहा शादी कर ली, जब दिल चाहा शादी खत्म कर दी। खेल तो आपने हमारे साथ खेला है ज़ैनब, वो भी धोखे का खेल। उष्णा आप अपना बैग पैक कीजिए और जाइए अपनी अम्मी के साथ। उष्णा, उष्णा कहीं नहीं जाएगी। उष्णा यहीं पे रहेगी, इसी घर में रहेगी। उष्णा आप मेरे फैसले के खिलाफ जाएंगे शहरोज? नहीं माँ, हद होती है किसी बात की, अब आप बहुत ज्यादती कर रही। बहुत खूब, मेरे बेटे मेरे शौहर को अपनी तरफ कर लिया आप दोनों ने। नहीं कर सकती, अब ऐसा नहीं कर सकती, उष्णा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मत भूलें कि मैं शहरोज की माँ, इस घर की मालिकन। मेरे चाहने की वजह से आज आप इस घर में मेरे शौहर के पहलू में खड़ी मुझसे सवाल कर रही हैं। नहीं मां, कहिए प्लीज स्टॉप इट, क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने? मैंने अपनी बात खत्म कर ली है। शहरोज उष्णा को तलाक दे रहे हैं और मैंने वकील को कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। तुम पागल हो गई हो नहीं मां, तुम पागल हो गई हो। जैसे आपकी मर्जी, जो आप समझें, लेकिन मैंने शहरोज को अपना फैसला सुना दिया है। और मैंने भी आपको अपना फैसला सुना दिया। उष्णा यहीं पे रहेगी इस घर में, इस घर की बहू बनके, और मजीद इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। सुन लिया नईमा आपने कि शहरोज का क्या फैसला है? आप भी नजरसानी करें अपने फैसलों पर, कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाएं। मैं इस लड़की को किसी कीमत पर अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी वहाब। अम्मी कैसी जिद पाल ली आपने?
हकीकत यही है कि उष्णा मेरी बीवी है और उष्णा ही मेरी बीवी रहेगी। चुप कर जाएं आप लोग, खुदा के वास्ते चुप कर जाएं। कोई मेरा साथ चाहता है और कोई मेरा साथ ही नहीं चाहता। मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, जिसका दिल आता रोंद कर चला जाता है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। कभी कभी कहा जाता है कि मैं लावारिस हूं, कभी कहा जाता है कि मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, और अब मेरे सर पे तलाक की तलवार लटका दी गई। मेरे भी जज्बात है, मुझे भी तकलीफ होती है। इस तरह से मेरा मजाक मत बनाए, मेरा तमाशा मत बनाए सबके सामने। उष्णा, उष्णा, क्या है सब कुछ? आई कांट बिलीव इट नहीं, आई स्वेयर टू गॉड। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे मौका तो दो। इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज जाए यहां से। कैसे छोड़ूंगी? दरवाजा खोलो, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हें कसम है, अपनी सफाई तो पेश करने दो। मैंने भी अभी बात करनी है। आप फिक्र नहीं करें, मुझ पे भरोसा रखें, मैं बात कर लूंगा। मैं सब उसको कहो दरवाजा खोले, तुम्हारी बात सुन लेगी। बोलो, आप अपने रूम में जाएं, रेस्ट करो, मैं बात कर रहा हूं। मुझे बात, मुझ पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा करें ना आंटी, मुझ पे भरोसा करें, मैं बात करता हूं उससे। उससे बात करो, उसको कहो मैं उससे बात करना चाहती हूं, दरवाजा खोले, मैं उससे बात करता हूं। ट्रस्ट मी, आ जाए। उष्णा दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। उष्णा आई नो जो हुआ है वो गलत हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे बात करनी है। मुझे वाकई छोड़ देंगे? तो मैं इतना कमजोर लगता हूं कि कोई भी मुझसे अपनी मर्जी के फैसले करवा सके? लेकिन आंटी तो यही चाहती है। कौन क्या चाहता है मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं क्या चाहता हूं। अकेला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? कृष्णा, तुमने ये सोच में कैसे लिया? सब डर अपने दिल से निकाल दो, तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। अच्छा, अब रोना तो छोड़ो, रिलैक्स रहो।
जानती थी। पता था मुझे ये बात सामने आई तो आग आ जाएगी, हर तरफ कयामत आ जाएगी। यादा ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारी आजमाइशें खत्म क्यों नहीं हुई? हम पर रहम कर मालिक। आजो। छोटे साहब, बड़ी बेगम साहब आपको बुला रही हैं, बहुत गुस्से में है, उन्होंने आपको जल्द पहुंचने को कहा है। आप जाए, मैं आ रहा हूं। ना परेशान हो, मैं मम्मी से बात करके आता हूँ, मान जाएंगे, ठीक है? जीने की जस्तजू, मरने की आरज़ू, दोनों ही तेरी अता है। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी। अगर उनकी जिद पर आपने मुझे छोड़ दिया तो अम्मी जान मांग लेंगी ना, तो वो दे दो, लेकिन वो कभी भी नहीं करूंगा जो वो चाहती हैं। तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे वो भी मजबूर नहीं कर सकती। So, don't worry. मैं बात करके आता हूं। दोबारा बंद करो। जब शेरुस मियां ये फैसला कर चुके हैं तो फिर बार बार इसको दोहराने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं नहीं मानती किसी भी ऐसे फैसले को जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे हर्फ आए। वहां ये मेरा हुक्म है शेरुस। अरे नईमा, आप क्या कर रही हैं? इज्जत छोड़ दीजिए प्लीज। हमें आपका हुक्म सर रखूंगा, लेकिन अगर आप इस बारे में मुसलसल जिद करती रही तो मैं उष्णा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ये घर छोड़ दूंगा। सितम गर ये कुर्बत क्या करें? नहीं, मैं जब शेरुस मियां ये फैसला कर चुके हैं तो फिर बार बार इसको दोहराने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं नहीं मानती किसी भी ऐसे फैसले को जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे हर्फ आए। वहां आ गए आप। आप बुलाया, मैं ना हूं, ऐसे कभी हुआ? मुझे तो लगा था कि आप मेरे बुलाने को नजरअंदाज कर दोगे शेरुस। आज से पहले कभी ऐसा हुआ जो अब होगा? अच्छा, याद है आपको? शुक्र है, मुझे तो लगा आपको कुछ याद नहीं है सवाय एक बात के। हमें ऐसा आप सोच रही हैं। क्योंकि कल की आई हुई एक लड़की के लिए आप माँ की बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस माँ की बात को जिसके हर फैसले के आगे आप अपना सर खम करते थे। कभी इनकार नहीं किया था आपने मेरी किसी बात से, इसलिए सोच रही हूँ ऐसा। अम्मी, मैं नहीं बदला और ना ही मेरे दिल में आपके लिए जज्बात कम हुआ। कुछ बदला है तो आपके ख्यालात, जिसके लिए आप अपने बेटे की खुशी कुर्बानी मांग रही हैं। मैं कुर्बानी मांग रही आपसे? वो माँ जिसने हमेशा अच्छी से अच्छी चीज आपके लिए पसंद की,
भूल गए हैं आप शायद। आप तो उष्णा से शादी भी नहीं करना चाहते थे, मैंने मजबूर किया था आपको। Because I really liked her. और अब आप ही उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्यों अम्मी? क्योंकि आज मैं उसकी हकीकत जान गई हूँ। उसका खानदान वो नहीं है हमारे मायार की। अम्मी मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके घर में पैदा हूँ, इस खानदान में पैदा हूँ, तो उसमें मेरा क्या कमाल है? और उसने वो कहाँ पैदा होना चाहिए था, कहाँ नहीं, इस सब में हम उसको क्यों इल्जाम दे रहे हैं? उसका क्या कसूर है? अम्मी आप बता सकती हैं मुझे? मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ शहरोज, आप उष्णा को तलाक दे रहे हैं, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। अम्मी बहुत माजरत के साथ, मैं आपके ऐसे किसी भी फैसले को नहीं मानूंगा। ये मेरा हुक्म है शहरोज। अरे नईमा आप क्या कर रही हैं? इज्जत छोड़ दीजिए प्लीज। अम्मी आपका हुक्म सर रखूंगा, लेकिन अगर आप इस बारे में मुसलसल जिद करती रही तो मैं उष्णा को लेकर यहां से चला जाऊंगा, मैं ये घर छोड़ दूंगा। What? क्या हुआ पप्पू आई नहीं अभी तक? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब तक नहीं आई। मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आई है, आना होगा तो आ जाएंगी। तुम दोनों बहन भाइयों को क्या हो गया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो अपनी पप्पू की मोहब्बत में? फिर भी कॉल करके पूछ लें, इसमें हर्ज ही क्या है? आई थिंक अभी पप्पू के साथ सबके रवैये बहुत अजीब हुए हो, ये ना हो कि आने का इरादा बदल दे। तुम्हारे बाबा से कहती हूँ वो करते हैं कॉल। फिर भी आप एक दफा कॉल करके पूछ लेना, पिछली दफा भी कहकर वो लोग नहीं आए थे। मैं फोन मिला के दूँ? मैंने नहीं करनी बात। क्या हो गई ज़ैनब नहीं आई अभी तक? पता नहीं क्या मसला हो गया। और वैसे भी जहाँ ज़ैनब और उष्णा हो वहाँ कभी भी कुछ भी गैर यकीनी हो सकता है। रुको मैं कॉल करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ ज़ैनब, क्या हुआ, सब खैर तो है? भाई इस लफ्ज खैरियत का तो मतलब भी मुझे नहीं पता, अजाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ मैं। इस किस्मत ने हमेशा गम और हसरत को ही मेरा हम सफर रखा। जहाँ इत्मीनान होने लगता है कि रास्ते से कांटे साफ हो रहे हैं और मंजिल कुछ दिखाई देने लगी है, तो किस्मत रास्ता ही बदल लेती है, मंजिल दूर हो जाती है और नजरों से ओझल होती दिखाई देती है। क्या बात है ज़ैनब, तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है, हम सब मुंतजर थे यहाँ तुम्हारे। भाई मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं इस वक्त कि मैं नहीं आ सकूंगी। मैं उष्णा को अकेले यहाँ छोड़कर आ नहीं सकती। नहीं नहीं ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि तुम पे क्या कयामत गुजरी होगी, ठीक है? और एक बात याद रखना, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। शुक्रिया भाई। क्या हुआ है, क्या कही थी ज़ैनब, अब कौन सी कयामत टूट गई? कुछ खास नहीं। समझ नहीं आ रही है, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप इस फाकी का मुजाहरा कैसे कर सकती हैं। यकीन करें मुझे भी नहीं आ रहा। हम में से किसी को भी इस किस्म की कोई तवक्को नहीं थी उनसे। इतनी बड़ी बात
इतनी बड़ी बात जबान से निकालते वक्त उनका दिल नहीं दहला, कांप ही नहीं वो? गुस्से में थी। देखिए, गुस्से में गलत जिद कर रही है वो। मैं बिल्कुल बात मानता हूँ। जिद कर रही है बच्चों की तरह, और उनकी जिद की वजह से मेरी बच्ची का पूरी दुनिया में तमाशा बन जाए। नहीं, देखिए शेरवी बहुत अकलमंद बच्चा है, वो अच्छा फैसला करेगा। वो करे ना करे, लेकिन उष्णा का सोचना किसी ने, वो इंसान है। क्या क्या नहीं सहा है उसने, कितने टॉर्चर से गुजरेगी वो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, यू राइट। सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारा शहरोज मियाँ जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है और अच्छा फैसला करेगा, कोई गलत फैसला नहीं करेगा। और तब तक मैं क्या करूं? तब तक मैं क्या करूं? इंतजार करूं उसके फैसले का, उसके सही फैसले का, और तब तक वो टॉर्चर का शिकार होती रहे? ज़ैनब, मैं इस लड़की को किसी कीमत पर अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी वहाब। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई। अगर उनकी जिद पर आपने मुझे छोड़ दिया तो जिंदगी अपने हाथों से हुई। क्या हुआ? बड़ी बेगम साहिबा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। अच्छा, क्यों? उन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है और मेडिसिन लेने से भी इनकार कर रही हैं। अब तो दिन का खाना भी नहीं खा रही। मुझे तो लगता है उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। छोटी बेगम साहिबा, आप उन्हें समझा के देखें ना, शायद आपकी बात मान। तुम आओ मेरे साथ। कहा था ना मुझे खाना नहीं खाना, फिर क्यों लेकर आई हो? आपा, इसे मैंने बुलाया है। अब मैं भी आपके कहने पर चलूंगी। ये गलत फहमी क्यों होने लगी आपको ज़ैनब? तुम जाओ, लेकर जाओ इसे, और याद रखना आइंदा किसकी बात माननी है और किसकी नहीं। ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप क्या जताना चाहती हैं? क्यों डर लग रहा है? आप जो भी कर रही हैं ना, गलत कर रही हैं। कम से कम आपकी तरह धोखा नहीं दे रही हूं किसी को ज़ैनब। आप कुछ समझना ही नहीं चाहती आपा, इसलिए कुछ भी कहना बेकार है। समझ ही तो गई हूं बहुत अच्छी तरह से आपको, आपकी चालाकियों को। जितना नुकसान करना था ना आपने इस घर का, कर दिया। बस बस कर दें अब ये सब चालाकियां, ये ड्रामेबाजियां। जब आपने बदगुमान रहने का फैसला कर ही लिया है तो कोई आपकी आंखों से ये बदगुमानी का पर्दा नहीं उठा सकता। बेहतर होगा आज के बाद आप मेरे मामलात में कम से कम दखल देने की कोई कोशिश ना करें। मैं तो भलाई करने की कोशिश कर रही थी। नहीं चाहिए मुझे आपकी भलाई, बेहतर होगा आप अपने तक रहें। आपा, ये मेरा, ये घर मेरा भी है जितना आपका है। ये गलतफहमी भी आपकी बहुत जल्द दूर कर दूंगी मैं। वहीं वापस जाएंगी आप दोनों जहां से आई हैं। मुझे यकीन नहीं आता। आपकी सोचों पर मैं जितना अफसोस करूंगा, मैं अफसोस तो मुझे हीरा समझ के जिसे अपने बराबर ला खड़ा किया, पत्थर भी नहीं निकले।
ऐसा नहीं है आपा। छोटे साहब, वो बड़ी बेगम साहिबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेडिसिन भी नहीं ले रही हैं, कह रही हैं कुछ नहीं खाएंगी कुछ नहीं पिएंगी। वहाब साहब को बताया तुमने? जी, उन्हें बता दिया है, मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं। ठीक है, मैं आता हूँ। जी सर, आप जा रहे हैं? हाँ। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डेलीगेशन बस पहुंचने वाला होगा। कैंसिल कर दें। लेकिन सर, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो होने दें। ओके। आंटी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुलवा लिया होता। इतनी फरमाबरदारी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। शायद दुनिया दांव से मेरे बेटे को काबू किया है ना आपने। आपने अपनी मर्जी से शहरोज की जिंदगी में मुझे शामिल किया था। बड़ी गलती हो गई थी मुझसे और अब इसी गलती को सुधारना चाहती हूँ मैं। इस बात का जवाब शहरोज दे चुके हैं आपको। शहरोज नादान है, लेकिन मैं अपने बेटे को घाटे का सौदा नहीं करने दूंगी। आप निकल जाएं उनकी जिंदगी से और जो कीमत आपको चाहिए है ले लें मुझसे। आप शहरोज की मामा हैं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रुतबे का ख्याल रखें और आपको जो बात करनी है आप शहरोज से करें। शहरोज को भी समझ आ जाएंगी मेरी बातें, अभी आपकी मोहब्बत के खुमार में हैं। जब ये खुमार उतरेगा तो आपके किरदार की बदबू से दम घुटने लगेगा उनका। उस वक्त क्या करेंगी आप? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह की बातें भी कर सकती हैं। सोच तो मैं भी नहीं सकती थी कि आप जैसी लड़की मेरी बहू बनेगी।